पंजाब किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए मुकाबले में पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों ने आज इस मुकाबले में सभी को हैरान कर दिया। पावर प्ले में 3 विकेट गंवाने के बाद पंजाब किंग्स ने 20 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट गंवाते हुए 149 रन बनाए, जिसमें जितेश शर्मा ने 44, सैम करन ने 49 और शाहरुख खान ने 41 रनों की पारी खेली। इस मुकाबले में सैम करन अर्धशतक लगाने से 1 रन से चूक गए, बावजूद इसके उन्होंने टीम को बेहतर स्कोर तक पहुंचाया और टीम का सम्मान बचा लिया। लेकिन इस मुकाबले में संजू सैमसन से एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि उन्होंने 19वां ओवर युजवेंद्र चहल को थमा दिया। युजवेंद्र चहल जो इस सीजन अपनी टीम के लिए एक बार फिर से धमाका मचाते नजर आए, इस मुकाबले में खुद धमाके का शिकार हो गए। जी हाँ, युजवेंद्र चहल इस ओवर में 19वां ओवर डालने उतरे और ये उनके स्पेल का 4th ओवर था। लेकिन अफसोस, इस दौरान उनका सामना शाहरुख खान और सैम करन से हो गया। बस फिर क्या था, 19वें ओवर में स्पिनर को देखते ही दोनों बल्लेबाज मानो भूखे शेर की तरह गेंदबाज पर टूट पड़े हों। पहले सामना शाहरुख खान से हुआ, जिन्होंने युजवेंद्र चहल की पहली गेंद पर चौका तो अगली गेंद पर छक्का जड़ा और इसके बाद ओवर की तीसरी और लीगल डिलीवरी पर शाहरुख खान ने 1 रन लेकर के स्ट्राइक सैम करन को दे दिया। इसके बाद तो सैम करन ने भी युजवेंद्र चहल की इस गलती को नहीं बख्शा। युजवेंद्र चहल को 4th और 5वीं गेंद पर छक्का लगाते हुए सैम करन ने आखिरी गेंद पर भी चौका लगा दिया। इस तरह से युजवेंद्र चहल ने 1 ओवर में 28 रन लुटाए। 3 ओवर में 12 रन देने के बाद युजवेंद्र चहल ने इसकी भरपाई 1 ही ओवर में कर दी, जिन्होंने टोटल 28 रन खर्चे। युजवेंद्र चहल के आईपीएल करियर में ये सबसे महंगा ओवर है जहां गेंदबाज ने 28 रन 1 ही ओवर में खर्च दिए हों। इससे पहले तक कोई भी बल्लेबाज उन्हें 1 ओवर में इतने रन नहीं मार पाया। कहना गलत नहीं होगा कि ये सीजन गेंदबाजों के लिए थोड़ा निराशाजनक रहा है, जहां 28 से 32 रन गेंदबाजों को 1 ओवर में कई बार पड़े। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करते हुए आप हमारे YouTube चैनल वन इंडिया हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर लें।